प्रियंका, फिल्मों की आपके खातिर की बहुत बात कर ली हमने, आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपका ड्रीम रोल क्या है, किस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं? आई थिंक मैंने बहुत किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं इन 3 सालों में, एंड ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है जो मैं करना चाहूँगी, बट यस आई डू वांट टू डू अ पीरियड फिल्म। ओके, तो इतने दिन जो आपने इंडस्ट्री में काटे, कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब अच्छा था? आपको ऐसा लगा कि आप फिल्म फैमिली से नहीं हैं तो आपको तकलीफ हुई? आई थिंक क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी जल्दी अडॉप्ट किया है, एंड इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसा कहा जाता है कि एक्टर्स जो होते हैं, एक्ट्रेसेस जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं बॉर्न एक्ट्रेस होती हैं, उनमें एक अलग बात होती है, एक्टिंग सिखाई नहीं जाती। क्या आप उस पर बिलीव करती हैं? अपने बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने हमेशा बिलीव किया कि 2 किस्म के एक्टर्स होते हैं, एक जो मेथड एक्टर्स होते हैं, जो ट्रेन्ड एक्टर्स होते हैं, और दूसरे जो स्पॉन्टेनियस एक्टर्स होते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम। यू कैन नॉट से कि ये मेथड करने से बेटर होगा या स्पॉन्टेनिटी बेटर होगी। अपने बारे में आई कांट से, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ एक्टर्स लाइक दैट। प्रियंका, कोई भी फिल्म साइन करने से पहले क्या देखती हैं? स्क्रिप्ट देखती हैं, एक्टर देखती मैं हैं? एक ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ, हमेशा मैं फिल्म में यही देखती हूँ कि क्या अगर मैं फिल्म देखने जाऊँ तो क्या मुझे ये फिल्म पसंद आएगी, क्या मैं ऐसी फिल्म देखूँगी, क्योंकि मुझे फिल्मों का बहुत शौक है। तो माई वे ऑफ चूजिंग अ फिल्म इज़ ऑलवेज बिन दैट। ओके प्रियंका, आपके कोई फेवरेट, जिनकी फिल्में आप हमेशा देखना पसंद करती हैं? मैं हमेशा शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की फिल्में देखना बहुत पसंद करती हूँ, दे माई फेवरेट एक्टर्स। ओके, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन से रहेंगे? आपकी खातिर के बाद डॉन रिलीज़ होगी दिवाली में, एंड उसके बाद सलाम इश्क। ओके, थैंक यू। थैंक यू।